पिछली सदी के आखिरी सालों में चारा घोटाला हुआ था। पता चला था कि जिन ट्रक से चारा पहुंचाया दिखाया गया वो नंबर तो स्कूटर और मोटरसाइकिल का है। अब इस बार ऐसा ही घोटाला दावा है मध्य प्रदेश में हुआ है, जहां गरीब बच्चों, कुपोषित बच्चों, गर्भवती माताओं, दुधमुहे बच्चों के को दिए जाने वाले पोषण वाले आहार को दिखाया कि ट्रक से भेजा, और जांच में दावा है कि वो नंबर ट्रक नहीं बल्कि ऑटो, कार, स्कूटर और टेम्पो के। जिस ट्रक से दावा हुआ कि गरीबों का पोषण आहार भेजा गया, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में वो ट्रक का नंबर स्कूटर का निकल गया। जिस ट्रक से दावा हुआ कुपोषण से बच्चों को बचाने वाला राशन भेजा, वो नंबर किसी कार का निकल गया। जिस ट्रक से दावा हुआ कि गरीब माताओं के लिए पोषण वाला आहार भेजा, वो नंबर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ऑटो वाले का निकला। रिपोर्ट सरकारी कहती है मध्य प्रदेश में 110 करोड़ रुपए का पोषण आहार सिर्फ कागज पर बांटा, गरीब बच्चों और माताओं की थाली तक नहीं पहुंचा। बिहार की चारा घोटाले जैसा ही गड़बड़ झाला दावा है मध्य प्रदेश में हुआ, जहां ऑडिटर जनरल ने ऑडिट किया। रिपोर्ट में बताया कि बच्चों के निवाले को भी भ्रष्टाचारियों ने अपना आहार बना लिया। उस थाली का आहार दावा हुआ कि मध्य प्रदेश में बच्चों से छीनकर अपने अपने पेट में करप्शन खोरों ने भर लिया। जिस पोषण युक्त आहार को खाकर मध्य प्रदेश में कुपोषण से मुक्ति का दावा सरकार करती है, किसका आहार भ्रष्टाचारी खा गए हैं सुन लीजिए। आंकड़ों की बात करें तो 34 लाख से ज्यादा बच्चे, 14 लाख से ज्यादा गर्भवती और नवजात बच्चों को दूध पिलाने वाली माएं और हजारों की संख्या में ऐसी गरीब बच्चियां जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल जाना छोड़ दिया हो, ये वो लोग हैं जिन्हें सरकार की तरफ से पोषण आहार मिलना था। लेकिन अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि दूध मुहे बच्चे से लेकर गरीब मजदूर महिलाओं और बच्चियों तक को मिलने वाले पोषण आहार को करप्शन खोर खा गए। 36 पन्नों की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक राशन को लाने में जो नंबर ट्रक के बताए वो ऑटो, स्कूटर, बाइक, कार के निकले, यानी कागज पर सिर्फ राशन पहुंचा। भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, सागर, शिवपुरी में 10,000 टन आहार पोषण का गायब हो गया। शिवपुरी के तो दो ब्लॉक में 8 महीने में 5 करोड़ का पोषण आहार का पैसा दे दिया गया, कहीं भी उसके आने जाने की एंट्री नहीं मिली। प्रदेश में करीब 40,000 मीट्रिक टन का पोषण आहार घटिया क्वालिटी वाला बांटा गया, 238 करोड़ का भुगतान कर दिया। लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया, जिसे अब ये सरकार बताने में जुटी है कि गाड़ियों के गलत नंबर वाली बात क्लर्क की टाइपिंग मिस्टेक है। साथ ही ऑडिटर जनरल की करप्शन की तरफ इशारा करती रिपोर्ट को सरकार मध्य प्रदेश की अंतिम सत्य नहीं मानती। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझो, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है, इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। 24% रेंडम जांच में यदि 50% घोटाला सामने आता है तो यह एक बड़ी बात है, और पूरी सरकार आकंठ घोटालों में भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह भी सच है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां एक बच्चे के पोषण आहार पर प्रतिदिन सिर्फ 6 से 7 रुपए खर्च होते हैं। अगर उसमें भी एजी की रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचारी ही बच्चों का खाना खा जाएंगे, तो क्या जरूरी नहीं कुपोषण से बचाने वाले खाने को खाकर भ्रष्टाचार से पोषित होने वालों की जांच हो और सीधे कार्रवाई का आदेश दिया जाए। अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि महज 24% जांच के दौरान ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आ चुका है। यदि आरोप सही है तो जाहिर सी बात है पैसा जनता का गया और जेब भ्रष्टाचारियों की भरी गई। दूसरी तरफ कुपोषण का शिकार बच्चे और महिलाएं रह गए क्योंकि उनको मिलने वाला पोषण आहार भी भ्रष्टाचारियों के पेट में चला गया। कैमरामैन एजाज के साथ अविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक।